नमस्ते फ्रेंड्स और अब हम शुरू करने वाले हैं ये चैप्टर का सेकंड लेक्चर एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन दिस लेक्चर मैं आपको ब्राजील के सारे स्टेट्स लर्न करवाने वाली हूँ एंड मैं ये पक्का गारंटी देके बोल रही हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ब्राजील के सारे स्टेट्स पक्का 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 लर्न होंगे ठीक है और ये वाला जो भी हम लर्न करने वाले हैं ये मॉड्यूल में हम सब कुछ बाय हार्ट करके ही ये मॉड्यूल से निकलेंगे ठीक है सो so, वो टेंशन आप मत लीजिए तो हम चालू करने वाले हैं लोकेशन एंड एक्सटेंड चैप्टर का लेक्चर नंबर टू ठीक है सो so, अभी हम ये मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ रहे हैं ठीक है सबसे पहले जैसे हमने इंडिया का लॉन्जिट्यूडनल एंड लैटेट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ा था वैसे ही अब हम ब्राजील का लॉन्जिट्यूडनल एंड लैटेट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ने वाले हैं अभी जैसे कि आपने देखा था कि अगर मैं ब्राजील की बात करती हूँ तो उससे एक लाइन पास होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे अर्थ को नदर्न और सादर्न हेमोस्फेयर में डिवाइड करती है वो यहाँ से पास होती है दैट इज इक्वेटर ठीक है सो इफ आई टॉक अबाउट ब्राजील ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना कि ब्राजील कहाँ है तो ब्राजील लाइज इन द सदर्न बट इज सम पार्ट ऑफ ब्राजील दैट इज इन द नदर्न हेमस्फ्योर सो अगर आपको कोई पूछे इंडिया कौन से हेमेस्फेयर में है तो नदर्न ब्राजील कौन से हेमेस्फेयर में है तो आप बोलोगे सदर्न हेमेस्फ्यर बट ये बोलना मत भूलना कि देर इज सम पार्ट ऑफ ब्राजील दैट इज इन द नदन ठीक है चलो ये तो समझ में आ गया बट इसके अलावा ब्राजील का लॉन्जिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है so, सबसे पहले ऑन द टॉप यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी तो ब्राजील के पास पहुंचने के लिए इक्वेटर से ऊपर जाना पड़ेगा टूवर्ड नॉर्थ बिकॉज मैंने जैसे ही बोला देर इज पार्ट दैट इज इन नॉर्थ इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ आया यहाँ पे साउथ आएगा याद रखना एग्जाम में दोनों नॉर्थ या दोनों साउथ मत लिख देना मार्क्स चले जाएंगे ठीक है सो so, ब्राजील में लोग कितने बजे उठ रहे हैं फाइव फिफ्टीन कितने बजे उठ रहे हैं फाइव फिफ्टीन फाइव मिनट्स नॉर्थ फाइव डिग्रीज फिफ्टीन मिनट्स नॉर्थ एंड वेयर इज ब्राजील एंडिंग थर्टी थ्री फोर्टी फाइव कहा थर्टी थ्री फोर्टी फाइव एंड ये कहां पे है इन द सदर्न टू सदर्निस ठीक है अभी लॉन्जिट्यूड स्टैंडिंग लाइंस जो लाइन्स खड़े हैं वो कौन से हैं सेवन थ्री फोर एट क्या है सेवन थ्री फोर एट अभी बेसिकली ये याद रखना सो so, ये वाला है एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और ये भी साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है लॉन्जिट्यूड में दोनों सेम है वेस्टर्न हेमिस्फीयर बट इक्वेटर में ये अलग है एक ऊपर है वो है नदर्न हेमिस्फेयर एंड नीचे है वो है सदर्न हेमिसफेयर याद कैसे रखेंगे सेवन थ्री फोर एट सेवन थ्री फोर एट सेवन थ्री फोर एट और ये क्या है थ्री फोर फोर सेवन थ्री फोर फोर सेवन ठीक है ये याद रखना है दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील सेवन थ्री फोर एट एंड थ्री फोर फोर सेवन सेवेंटी थ्री डिग्रीज फोर्टी एट मिनट्स सब यूनिट है डिग्रीज का मिनट्स ठीक है एक लॉन्जिट्यूड में या एक लैटिट्यूड में दूसरे लैटिट्यूड से 60 मिनट्स का डिफरेंस है एक और लाइन है जो ब्राजील से पास होती है एंड उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन जैसे इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एक्जैक्टली exactly वैसे ही ब्राजील में ट्रॉपिक ऑफ है वो भी पास होती है 23 डिग्रीज 30 मिनट्स में बट इट इज इन द सदर्न पार्ट पे एस लिखा हुआ है इंडिया के लिए ये सेम चीज एन में लिखी हुई आएगी बट जब मैं ब्राजील की बात करूं ब्राजील का कैपिटल है ब्राजीलिया इंडिया का कैपिटल क्या था दिल्ली वैसे ही ब्राजील का कैपिटल क्या है ब्राजीलिया ठीक है सो so, ब्राजीलिया जैसे कि इंडिया में हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं ब्राजील का जो कैपिटल है ये है एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट क्या है एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट ठीक है अभी मूविंग अहेड आउट ऑफ दिस इंडिया में कितने स्टेट्स थे एवरीबडी यस यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट ट्वेंटी स्टेट्स थे और ब्राजील में कितने हैं हमें कम लर्न करने पड़ेंगे दो ये है ट्वेंटी सिक्स और एक और मेगा बम्पर सरप्राइज जिसको के आप लोग सच में खुश हो ब्राजील में कोई भी यूनियन टेरिटरी नहीं है तो हमारी वो यूनियन टेरिटरीज भी बच गई बेस्ट है ना चलो अभी स्टेट्स लर्न करते हैं मैम ये सुन के ही चक्कर आ जाएंगे टेंशन मत लो सब लर्न कर लेंगे ठीक है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हियर इन द साधर्न पार्ट इट इज रियो ग्रांडे दो बोलेंगे रियो ग्रांडे दो सोल ठीक है इसी के सामने ओवर हियर इन द नॉर्थ है रियो ग्रांडे दो नॉर्थे रियो ग्रांडे दो सोल रियो ग्रांडे दो नॉर्थे ठीक है ये दोनों हम साथ में लर्न करेंगे रियो ग्रांडे दो सोल रियो ग्रांडे दो नॉर्थे ठीक है फिर ना एक लड़की थी ठीक है वो ना उसने अपने भैया को बोला भैया पियाऊ पियाऊ मतलब वेल भैया पियाऊ मरन हाउ मैं जा रही हूं वेल में सिया बाय तो कैसे लर्न करेंगे भैया पियाऊ मरन हाउ सिया ठीक है भैया पियाओ मरन हाउ सियारा ठीक है हाँ। ये फोर स्टेट लर्न हो गए ओके मूविंग अहेड हम सब के मम्मी पापा होते हैं ना वैसे ही ब्राजील के भी मम्मी पापा है अमापा क्या है अमापा और सिर्फ मम्मी पापा नहीं दादा दादी भी हैं आकरे और एमेजोनास कौन है आकरे और एमेजोनास उनका ना एक पारा पारा बेटा है बेटा कैसा है पारा पारा पर उसका एक प्रॉब्लम है पता है प्रॉब्लम क्या है पूरा टाइम रो राइमा रोंदोनिया क्या है पूरा टाइम रो राइमा और रोंदोनिया सबसे पहले ब्राजील के कौन है अमापा अमापा का मम्मी पापा का नाम क्या है एमेजोनस एंड आकरे आकरे और उनका बेटा कैसा है पारा पारा बेटा कैसा है पारा पारा और उसका बेटे का प्रॉब्लम क्या है रोराइमा राइमा रोंदोनिया क्या प्रॉब्लम है रोराइमा एंड रोंदोनिया ठीक है उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे है मातु ग्रोसो मातु ग्रोसो दसूल कैसे बोलेंगे मातु ग्रोसो मातु ग्रोसो दसूल ओके तो ये जैसे दो मतलब साउथ मातो ग्रोसो मातो ग्रोसो दो सूल यहाँ पे रियो ग्रांडे दो रियो ग्रांडे दो नॉर्थे मातो ग्रोसो है मातो ग्रोसो के साउथ में है मातो ग्रोसो दो ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ ओवर हियर पराइबा पर्नाम्बुको आला गोवा पी अभी इसका मतलब क्या है आला गोवा सर पी समझ में आ गया आला गोवा सर पी आप गोवा में आए हो चलो सर पी लो आला गोवा सर पी पार्टी है फुल गोवा में तो क्या बोलेंगे आला गोवा सर पी और तो परिणाम भूको अगर कुछ गलत करोगे तो परिणाम भूको पराईबा परिणाम भूको ठीक है हम दुनिया में सब पापी लोग है कैसे लोग है पापी पा पराइबा पी परिणाम भूको और क्योंकि हम पापी है तो क्या करना पड़ेगा परिणाम भूको ठीक है so, सो इतने स्टेट्स आई एम श्योर आपके पक्का लर्न हो गए हैं ठीक है ठीके? तो सबसे पहले नेक्स्ट है सेंटा कटरीना हाटा कटरीना सलमान कटरीना नहीं बोला है क्या बोला है सेंटा कटरीना कटरीनाओपालो सलमान और कटरीना पराना में घूमने कहा गए साओ साओपोलो कहा गए साओ साओपोलो फिर ना हमारी एक मीना आंटी थी मीना आंटी घूमने गई थी एस्पिरिटो सैंतो उनको सबने घेर लिया किसने घेरा पता है गुंडों ने गोइयास ने घेर लिया और कहा लेके गए रियो दे गई थी मीना आंटी मीना आंटी को क्या किया घेरा किसने गोयास कहा लेके गए रियो दे जनेरियो एस्पिरिटो सैंतो मीनास घेरा इज गोस एंड रियो दे जनेरियो एस्परितो Cento, कौन आंटी थी मीना आंटी मीना आंटी को क्या किया घेर लिया घेर के कहा लेके गए और कहा गए जनेरियो किडनैपिंग स्पॉट इट वॉज दे जनेरियो ठीक है सो दिस इज देर पर इन सब के बीच में एक है टोकॉटिन कौन है कौन है? है? ठीक so, ये सब स्टेट्स हमने लर्न कर लिए हैं अभी एक करवा रही हूं। ध्यान से सुनना सबसे पहले फिर मैंने मेरे एक भैया थे भैया को मैंने क्या बोला भैया पियाऊ मरन सियारा ओके उसके बाद उसके बाद क्या हुआ हमारे कौन थे अमापा अमापा के मम्मी पापा का नाम आखरे और एमेजोनास उनका बेटा कैसा था पारा 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 का प्रॉब्लम क्या था रो रायिया ठीक है उसके बाद मातो ग्रोसो मातो ग्रोसो दो सूल ठीक है सलमान कटरीना कौन थे सांता कतरीना पराना एंड साओ पोलो सा, सलमान कटरीना पराना घूमने कहां गए साओ पोलो फिर संतो में कौन थी हमारी मीना आंटी मीना आंटी को क्या किया घेर लिया किसने गोइहास ने और कहा लेके गए रियो दे एंड बच गया हमारा कौन गोवा आला गोवा जी पी और हम कैसे लोग हैं पापी पापी परायबा पर नाम्बू को और लास्ट बट नॉट द डिलीज टोकानीन्स कौन है टोकान टीन्स ठीक है सो so, ये लर्न हो गए ब्राजील के सारे स्टेट्स अगर आपको ये स्टेट्स लर्न करने का टेक्निक अच्छा लगा है प्लीज डू गिव अस अ लाइक एंड मेंशन इट डाउन इन द कमेंट्स ओके मूविंग अहेड ब्राजील के बहुत सारे नेबर्स हैं जैसे इंडिया के नेबर्स थे राइट ब्राजील के भी नेबर्स हैं सबसे पहले उरुग्वे कौन है एकदम नीचे एकदम ब्राजील को चिपक के नीचे रुका हुआ है एकदम वो है यूरोग्वे क्या नाम है और यूर, देन है अर्जेंटीना यहाँ पे पैराग्वे बोलिविया बोरेवली नहीं है बोलिविया फिर हमारा प्यारा पेरू कोलंबिया वेनेजुएला गयाना सूरीनाम फ्रेंच गियाना ठीक है ये सब हमारे स्टेट सॉरी कंट्रीज है नेबरिंग ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है बट ओवर हियर अगर आप देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे एक दो कंट्रीज है जो ब्राजील के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करती तो याद रखना पूरा हमारा जो कॉन्टिनेंट है उसमें सब कंट्रीज ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं एक्सेप्ट दीज टू कंट्रीज यहाँ पे ये जो कंट्री है इसका नाम है चिली क्या नाम है चिली देखो ये दिख भी रहा है मिर्ची जैसा राइट सो ओवर योर दिस इज चिली वेन आई स्पीक अबाउट द वॉटर बॉडीज दैट आर देर इन ब्राजील इन द नॉर्दर्न पार्ट वी हैव द नॉर्थ एटलांटिक ओशन एंड इन द सादर्न पार्ट वी हैव द साउथ एटलांटिक ओशन सो दीज आर दू वॉटर बॉडीज दट आर देर टू वर्ड द ईस्टर्न साइड ऑफ ब्राजील एज आई मैंशन ब्राजील के साथ कौन सी कंट्री है जो साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है बट ब्राजील के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती वो है चिली एंड क्या है चिली एंड ओके नेक्स्ट ओवर हियर व्हेन आई स्पीक अबाउट ब्राजील ब्राजील में नॉर्थ में है वेनेजुएला गयाना सुरीना फ्रेंच गयाना ये याद रखना अगर मैं वेस्ट की बात करूं कोलंबिया पेरू बोलिविया, अर्जेंटीना ये कैसे रखने का याद कोलंबस पेरू खाने बोरेवली में आया पैरेगोन पहना अर्जेंटली क्या कोलंबस पेरू खाने बोरेवली में आया पैरेगोन पहना अर्जेंटली कोलंबिया पेरू बोलिविया, पैराग्वे अर्जेंटीना ठीक है साउथ यूरोग्वे साउथ इजी है एक ही कंट्री है यूरोग्वे वेस्ट में बहुत है इसलिए मैंने आपको कोड भी दे दिया कोलंबस ने पेरू खाया बोरेवली में आके और उसने क्या पहना पैराग्वे और कितना जल्दी जल्दी पहना इसीलिए ईस्ट uh, में है नॉर्थ एंड साउथ एटलांटिक ओशन सो ओवर हियर ये इसके नेबरिंग कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट लाइक इंडिया ठीक है सो ओवर हियर जैसे हमने इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा ब्राजील का भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं बता देती हूं ये एक इंपॉर्टेंट आंसर है और ये टेक्स्ट बुक के पीछे का आंसर है जिसका आने का प्रोबेबिलिटी भी है इजी पीजी है इसलिए लर्न कर लेते हैं वेन आई स्पीक अबाउट इंडिया इंडिया वॉज फॉर वन एंड हाफ सेंचुरी ब्राजील वॉज फॉर मोर देन थ्री सेंचुरीज मतलब डबल ठीक है फॉर मोर देन थ्री सेंचुरीज थ्री सेंचुरीज नहीं बोला है ये याद रखना ठीक है और इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल ब्राजील इज अंडर पोर्चुगीज़ रूल ठीक है नेक्स्ट मूविंग अहेड ब्राजील गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1822 कहां मिला 1822 फ्रॉम 1930 टू 1985 मतलब फॉर मोर देन हाफ सेंचुरी 55 इयर्स इट वाज अंडर पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट मतलब यहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी मिलिट्री मिलिट्री गवर्न्ड नेशन था मतलब मिलिट्री ही सारे डिसीजन लेती थी मिलिट्री ही पूरा देखभाल करती थी कंट्री के नीड्स का फॉर फिफ्टी फाइव ईयर्स मोर देन हाफ सेंचुरी नाइनटीन थर्टी टू नाइनटीन एटी फाइव अभी ब्राजील हैज ओवरकम द ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टी ब्राजील को कौन सी डिफिकल्टी हुई थी ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टी इन द लेट ट्वेंटीएथ सेंचुरी कब हुआ था इन द लेट ट्वेंटीएथ सेंचुरी बट नाउ ब्राजील इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड सिर्फ खुद का नहीं इट इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्ट्रीब्यूटर टू द वर्ल्ड एंड ये फ्यूचर के लिए एक इम्पॉर्टेंट मार्केट है जहाँ से हम सब एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज डिफरेंट रॉ मटीरियल सब खरीदेंगे सो so बेसिकली ये ब्राज़ील अभी एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर है टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है और दूसरा ये एक इम्पॉर्टेंट मार्केट भी बनेगा फॉर द फ्यूचर ये आप लिखोगे इन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सो क्या क्या पॉइंट्स मैंने कवर किए सबसे पहले फॉर मोर देन थ्री थ्री हंड्रेड थ्री सेंचुरीज वी वॉर ब्राजील वॉज अंडर विच गवर्नमेंट पोर्चुगीज ठीक है इट वॉज अंडर द पोर्चुगीज रूल उसके बाद फ्रॉम नाइनटीन थर्टी टू नाइनटीन एटी फाइव ये पॉपुलरिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट के अंडर था ब्राजील को इंडिपेंडेंस कब मिला एटीन ट्वेंटी टू में ठीक है सो ब्राज़ील इज सीन एज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट मार्केट फॉर द फ्यूचर ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना ये बेसिक मैप के क्वेश्चन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार सिर्फ इनको देख लो आउट ऑफ द कंट्रीज दैट यू हैव कलर्ड विच कंट्री इज लार्जर इन साइज सो बेसिकली वो इंडिया और ब्राजील में कंपेयर कर रहे हैं इंडिया और ब्राजील में साइज में कौन बड़ा है तो ब्राजील बड़ा है ठीक है इन टर्म्स ऑफ लैंड ब्राजील इज द बिगर कंट्री कंट्री हैज अ लार्जर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट तो ये एक्सटेंट कैसे मिलता है माइनस करके हमारे पास इंडिया के लॉन्चिट्यूड एंड लैटिट्यूड है ब्राजील के एंड लैटिट्यूड है माइनस करेंगे तो किसका ज्यादा आएगा ब्राजील का

इंडिया में है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज वहीं हमने देखा ब्राजील में सिर्फ 26 स्टेट्स है एक फेडरल डिवीजन है यूनियन टेरिटरीज नहीं है बट मूविंग अहेड एक गिव रीजन है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही ईजी है ठीक है, है ब्राजील को वर्ल्ड का कॉफी पॉट बोलते हैं क्यों बोलते हैं ब्राजील को वर्ल्ड का कॉफी पॉट बिकॉज वो वर्ल्ड में फर्स्ट आता है इन टर्म्स ऑफ कॉफी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कॉफी बनती है कहां पे तो ब्राजील में अगर पूरे वर्ल्ड में पूरे अर्थ पे 100 किलो कॉफी बनती है तो उसमें से 40 परसेंट चालीस किलो सिर्फ ब्राजील से आ रही है मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करता है ब्राजील एंड वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करता है बिकॉज वो इतना ज्यादा अवेलेबल है इसीलिए ब्राजील को क्या बोलते हैं कॉफी पॉर्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या बोलते हैं कॉफी पॉर्ट ऑफ द वर्ल्ड ठीक है ना ओवर वेन आई स्पीक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर अभी हमने सब कुछ लर्न कर लिया है अभी हम लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर के पास बढ़ चुके हैं और ये आपके सामने दिख रहा है ब्राजील का मैप और उसके अंदर जो छोटू सा दिख रहा है वो है ब्राजील का फ्लैग अभी इसमें लिखा हुआ है और दम ए प्रोग्रेसो क्या लिखा है और ए, प्रोग्रेस हो इसका मतलब होता है आप ऑर्डर्स फॉलो करना तो हम सब साथ में मिलके क्या करेंगे प्रोग्रेस ठीक है so, सो अभी ये मॉड्यूल में हमने मेजरली पूरा चैप्टर कवर कर लिया है आई वुड रिक्वेस्ट आप सब लोग पॉलिटिकल मैप्स लेके फटाफट से ये स्टेट्स भी मार्क कर लो लर्न कर लो तो फिर आपको पूरा चैप्टर एकदम परफेक्टली दिमाग में फिट हो जाएगा अगर नींद में भी हिला के कोई पूछना चाहिए अम्मा पा का बेटा कैसा था आपको पता होना चाहिए अमा का बेटा आप सब जैसा पारा पारा था ठीक है इसी के साथ मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ दैट इज फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज तब तक के लिए ये वाला चैप्टर परफेक्टली लर्न करना सो दैट नेक्स्ट चैप्टर में जब मैं बोलूं कि ये स्टेट कहाँ पे है ये स्टेट कहाँ पे आपको ऑलरेडी पता हो ठीक है विद दिस आई एम एंडिंग दिस मॉड्यूल डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल थैंक यू सो मच